जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम गठबंधन के नेताओं को भी न्योता देंगे। उन्होंने कहा कि वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि इस रैली में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आएंगे। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जो बारिश और ओलावृष्टि के चलते नुकसान हुआ है, उस पर दिग्विजय ने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। वहीं प्रदेश में चल रही परीक्षाओं में जो लगातार नकल के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर दिग्विजय ने बोला कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, अगर ऐसा है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए। बहरहाल 13 मार्च को बड़े स्तर पर जेजेपी की रैली इसराना में होने जा रही है। देखना यह होगा कि रैली में भीड़ कितनी पहुंचती है और इस रैली में गठबंधन की पार्टी से कोई नेता आता है या नहीं। हल्के से कितने कार्यकर्ता रैली में पहुंचे और उनके आने की व्यवस्था क्या हो, उस सारी बातों पर आज चर्चा होगी। मैं मानता हूँ कि करनाल जिले के कार्यकर्ता सदैव बड़े ऊर्जा से जो है ना भरे रहते हैं और ये सदैव दूसरे जिलों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसराना में इस रैली में करनाल से क्योंकि नज़दीक भी पड़ता है, पानीपत के बाद ज़्यादा हाजिरी किसी जिले की होगी तो करनाल की होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है कि यहाँ के कार्यकर्ता विश्वास दिलाएंगे। निशान सिंह सर, 2-3 दिन से जो है बारिश हुई है, किसानों को काफ़ी नुकसान। ये बड़ी चिंता का विषय है कि बेमौसम बारिश और फरवरी मार्च की जो बारिश ओलावृष्टि के साथ किसान के लिए बड़ी मुसीबत लेके आती है। आज मुख्यमंत्री जी का बयान सुना मैंने, कल दुष्यंत जी का बयान था और हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी बयान इस पर आया है कि किसानों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 78 घंटे तक जो उनका रिपोर्टिंग 72 घंटे तक का जो रिपोर्टिंग टाइम है उसमें वो रिपोर्ट करें और सरकार के उसमें लेकर के आएँ और किसान का जो है हम एक एक मुआवजा देने का काम करेंगे, किसी का कोई वो नहीं रहना। क्या रैली में मुख्यमंत्री जी को भी न्योता दिया जाएगा? ये पार्टी का फैसला है, पार्टी की शीर्ष का नेतृत्व ने करना है, नेचुरली वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, सबको न्योता जरूर जाए। शिक्षा रिजल्ट और पेपर वगैरह चल रहे हैं इस समय, क्या समझते हैं? नकल का दौर भी काफ़ी चल रहा है इस समय, देखने को मिल रहा है खासकर पेपर। कहीं ऐसी कोई खबर मेरे संज्ञान में तो नहीं आई, आई है तो उसको सख्ती से निपटना चाहिए। अच्छा, एक एक्साइज विभाग आपके पास है, जेजेपी के पास है और करनाल के अंदर ब्लैकलिस्ट फर्म को ही ठेके दिए जाते हैं क्योंकि वो फर्म का नाम अभी तो ठेके दिए ही नहीं गए इस बार, पहली की फर्मों की बात करो पिछले 3 साल से, और वो मैं अगर नहीं भर रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं दुष्यंत जी के संज्ञान में इसे लेकर के आऊँगा, ये हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसा ना हो। लोगों के साथ ऐसा अगर होगा तो फिर उससे जो कंज्यूमर है उसको भी दिक्कत आएगी, ब्लैक मार्केटिंग की भी ज़्यादा होगी। मैं कहूँगा दुष्यंत जी, रैली की तैयारियाँ पूर्णतः ये मान के चले कि कल लास्ट डे है उसकी तैयारियों के लिए, और ऐसी तैयारियाँ जैसे दिग्विजय जी ने कहा कि लोगों में उत्साह है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को आमने सामने मिलकर के बधाई देने का, और हमारी रैलियां तो पहले हमारा हम अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं और इसी तरीके से आप भी ऐसा क्या। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.